guys, we have Farhan Draze from Pak Wheels. And Pak Wheels is a very interesting company. And I work with it. And I had a request with them. Because Capital TV, there are many people who want to see cars and such things. And you want to know about it. So tell us, what happens to Pak Wheels that this show is arranging this vintage car? वैसे तो parkwheels.com पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग गाड़ियां खरीदो फरोख करते हैं. उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो यूनिक बात है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट की है. पाकिस्तान हर मौके पर कोशिश करता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं उनको इकट्ठा करें, उनको उनके लिए कोई ना कोई इवेंट करवाता है. पाकिस्तान के 6 बिग सिटीज के अंदर ऑटो शोज करवाता है और उसके साथ साथ हम छोटे छोटे इवेंट्स भी अरेंज करना चाहते हैं जहाँ पे डिफरेंट ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट इकट्ठे हो सके. उन्हीं में से हमारे साथ एक इवेंट है जिसमें हमने बोरियम मॉल के साथ मिलकर यहाँ के कस्टमर्स के लिए चंद हैंड पिक्ड विंटेज कार्स इकट्ठी की हैं. तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये ज्यादातर लाहौर से हैं कि बाहर से भी आई हैं? क्योंकि विंटेज कार्स बड़ी रेयर होती हैं तो ये कुछ गाड़ियाँ लाहौर से हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि डिफरेंट सिटी से भी हमने यहाँ पे स्पेशली शो के लिए मंगवाई हैं क्योंकि इन गाड़ियों की रेयरिटी बहुत ज्यादा होती है. तो जो आपने बाहर से मंगाई हैं वो आपकी स्पॉन्सर्ड थी? parkwheels.com की जैसे कि आपने बताया था कम्युनिटी एक बहुत बड़ी एग्जिस्ट करती है. सो हमारे लिए वी आर इन कॉन्टेक्ट विद ऑल ऑफ द विंटेज कार ओनर्स. सो उनके थ्रू हम साथ इन कॉन्टेक्ट है. यस. सो गाइस, अगर आप में से कोई ऐसे साहब हैं जिनके पास कोई विंटेज कार या क्लासिक कार है एंड यू आर नॉट कनेक्टेड टू देम देन यू शुड, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि ये इनका भी मकसद यही है कि जो पार्क व्हील्स है ये सारी गाड़ियों को जो भी विंटेज कार्स हैं पाकिस्तान की स्पेशली उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए. बिकॉज यू कैन सी के बहुत सारे लोग जो है वो ये गाड़ियाँ देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं. सो दे ऑल शुड वॉच एंड दे ऑल शुड सी द कार्स एंड दैट समथिंग आई रियली अप्रिशिएट. ये मैं इसलिए नहीं कह रही मैं पाक व्हील्स के साथ हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट जब पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करते हैं. सो अच्छा, गाड़ियों के बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी. ये जो आपने खड़ी की हुई है हर्शले डेविडसन, ये तो नहीं वो है, ये आपने यहाँ पे क्यों खड़ी की हुई है इनके साथ? हार्ले डेविडसन बेसिकली जो कंपनी है ना उसकी बहुत पुरानी हेरिटेज है. सो ये सीरीज काफी अर्से चलती हुई आ रही है. हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन, सॉरी. सो गाइस, दिस हार्ले डेविडसन ये 2012 की है. yes, और ये आपने दादियों के साथ खड़ी करी? बिल्कुल ऐसे. ओके, तो ये वैसे खड़ी करी? वैसे खड़ी. इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है? इसकी कंपनी की हिस्ट्री है, बाइक इटसेल्फ हिस्ट्री नहीं है. हाँ, वो कंपनी की हिस्ट्री तो हम सबको पता है. आई एम अ रियली गुड फैन ऑफ हैवी बाइक्स. अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं लिमोजिन से. ओके, तो ये जो लिमोजिन है तो ये मैं क्योंकि बहुत सारे हम लोगों को लिमोजिन रिसीव करती है जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा सा बार सा होता है, बड़ी कंफर्टेबल सी सीट्स होती है, छत बड़े मजे की होती है, ये भी वैसी है. अच्छा, ये गाड़ी लिंकन टाउन कार है, उसके स्ट्रेच लिमो वर्जन. सो अपने ज़माने के अंदर 1980s के अराउंड ये गाड़ी इसी पर्पज से यूज़ होती है, या तो उसको किसी प्रेजिडेंट ने यूज़ किया होगा मूव अराउंड करने के लिए, अदरवाइज ये डिफरेंट कह लें कि अपने एरिया के रिच लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी लग्जरी से फ़ायदा उठाने के लिए. आज के ज़माने के हिसाब से इसकी लग्जरी शायद उस लेवल की ना हो, बट अपने अपने वक्त में ये कह लेंगे कि बहुत लग्जरी थी. तो आजकल के ज़माने से हम इसको देखते हैं. ओके, वेल इफ यू कैन सी तो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो बार और ग्लासेज और जो छत है ये ऐसा वाला कोई सीन इसके अंदर नहीं है. वो मैं आपको कोई अच्छी सी लिमोजिन जरूर दिखाऊंगी. दिस इज अ स्ट्रेच लिमो और ये टाउन कार है बेसिकली. अच्छा, ये वाली जो गाड़ी है ये इसके बारे में हमें बताएं, ये क्या? दिस इज अ डॉज डार्ट. ये वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन के अंदर अवेलेबल जो डॉज डार्ट है पाकिस्तान के अंदर ये वो है. और कौन सी ईयर की होगी ये? अंदाजन 60s, 50s. ये 70s का मॉडल होगा. ये 70s का मॉडल. अच्छा, और ये इसका कलर जो है ये 1969 का मॉडल होगा. एग्जैक्ट 69 का. अच्छा, और ये जो कलर है ये ओरिजिनल होगा इसका? इसकी कुछ पार्ट्स ओरिजिनल कलर में होते हैं, कुछ पार्ट्स रिपेंटेड होते हैं, बट कलर तो मुझे लग रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, बिकॉज इतना तो नहीं हो सकता ना. ये या तो ओरिजिनल है या तो किसी ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, क्योंकि जो लोग इनको मेंटेन करते हैं दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कीप देम इन द ओरिजिनल शेप. सो दैट्स अनदर नाइस कार. और जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये 70 से भी पहले की गाड़ी है, तो जिस तरह से इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, और ये पाकिस्तान में अपनी नौयत की एक ही गाड़ी जो इतनी मेंटेन है. हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार. हियर वी कैन सी मिनी कूपर. मिनी कूपर. अच्छा, ये कौन सा ब्रांड है ये मिनी कूपर? मिनी ब्रांड है सब, मिनी कूपर उसका ब्रांड. मिनी भी गाड़ियों का ब्रांड है? अभी भी है? अभी भी है. फोर्ड का पता है मुझे, टोयोटा का पता है. मिनी भी ब्रांड है. मिनी, और वो छोटी गाड़ी ही बनाते हैं? नहीं नहीं, ब्रांड का नाम छोटा है, बट छोटी गाड़ियों में. जरा आप सोचें कि ब्रांड का नाम है मिनी और वो बना रहा हो कोई बड़ी बड़ी गाड़ी लैंड क्रूजर टाइप, सोचे कौन लेगा. बनाते नहीं, इतनी बड़ी नहीं बनाते, मोस्टली उनकी हैचबैक्स ही होती हैं. अच्छा,
और ये टू डोर कार है, ये मेरा ख्याल है इसी को देख के बाद में मर्सिडीज स्मार्ट भी बनाई उन्होंने। बिल्कुल, ये उस अपने जमाने की कॉम्पैक्ट गाड़ी थी, जाके ट्रैफिक से नेविगेट करना बहुत इजी हो। अच्छा, मर्सिडीज स्मार्ट इतनी फ्लॉप क्यों होगी? मर्सिडीज स्मार्ट अपने फॉरेन कंट्री में चली है, पाकिस्तान के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं चली। जब आई थी 2000 मेरा ख्याल है 4 या 5 में आई थी, तो तब आई रिमेम्बर कि हम लोग अपने अम्मी अबू के साथ बाहर गए थे, तो मैंने कहा था ये बच्चों की गाड़ी है लेनी है, बट दैट वाज नॉट बच्चों की गाड़ी। सो लेकिन वो चली तब भी नहीं शायद। शायद वो एक बहुत छोटी टारगेट मार्केट को टारगेट करते हैं, जिसमें से वो लोग हैं जिनको रश को अवॉइड करना होता है, बट नॉर्मली लोगों के जितने लगेज कैरी करनी है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता था। अच्छा, ये वाली जो गाड़ी है तो हमने बहुत फिल्मों शिल्मों में देखी है। बेसिकली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गाड़ी है जो शो पे हम ले गए हैं, दिस इज MGT टाइप। सो ये 1935 से 1965 तक जी प्रोडक्शन रही है। 1935, जस्ट इमेजिन दिस कार इज वे ओल्डर देन यू थिंक इट इज। बिल्कुल ऐसे है। सो उसमें आप डिजाइन लैंग्वेज में बड़ा चेंज भी देख सकते हैं। अब कुछ समझ ये जिसम डॉज डार्ट थी उसको देख के आपको लगता है कि ये डिसेंट गाड़ी है। इनकी शेप और ये जो है 1950 से पहले पोस्ट एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के डिजाइन की गाड़ी है। क्या पता हिटलर इस गाड़ी में बैठा है? क्या पता, ये भी हो सकता है। तो जब भी मैं कोई पुराने विंटेज दौर की गाड़ी देखती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ही होता है कि इसमें कोई बैठा होगा, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बंदा बैठा होगा, उसने क्या किया होगा, उसके अंदर किधर गया होगा, कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए होंगे जो कि दुनिया अभी तक भुगत रही है। सो लॉट ऑफ थॉट्स कम व्हेन यू सी और सिट इन सच अ कार।